हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। बट घर में रहना भी कितना बोरिंग है ना, आई नो। इसीलिए आपकी बोरियत दूर करने के लिए मैं कार्ड गेम की सीरीज लेकर आई हूँ, जिसका पहला गेम है काली बेगम। इंग्लिश में इसे कहते हैं ब्लैक क्वीन। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम विच यू कैन प्ले विथ ऑल योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। यूजुअली ये गेम हम चार लोगों के बीच में खेलते हैं, बट इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप ये गेम चार से ज़्यादा लोगों के साथ खेल सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए एंड और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी घर में बैठे रहे और एंटरटेन होते रहे। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए अब इस गेम को सीखते हैं। ये गेम टोटल 25 पॉइंट्स का होता है। आपको पता ही होगा एक डेक में लाल पान के 13 पत्ते होते हैं, तो 13 लाल पान के पत्ते, उनके 13 पॉइंट्स होते हैं, और काली बेगम जो इस गेम का नाम भी है उसके 12 पॉइंट्स होते हैं। तो 13 और 12 कुल हो गए 25। ऐसे 25 पॉइंट्स के हम मल्टीपल गेम्स खेलेंगे और उसके पॉइंट्स को नोट करेंगे। देख सकते हैं आप, मैंने चार प्लेयर्स के नाम लिख दिए हैं यहाँ पर। हम गेम के पॉइंट्स नोट करेंगे। ऐसे कुल मिला के आप 5, 10 या 15 गेम खेल सकते हैं। उसके बाद आप टोटल करिए। जीतता वही प्लेयर है जिसके पॉइंट सबसे कम होते हैं। इस गेम में कोई ट्रम्प नहीं होती है या कलर कार्ड नहीं होता है। हम इक्वल पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लेयर्स के बीच में और एक एक करके हम अपनी अपनी चाल खेलते हैं। हर एक हैंड में आपको यही कोशिश करना है कि आपके पास काली बेगम स्पेशली या फिर लाल पान ना आए। वन मोर बोनस टू ऐड हियर, अगर आपका एक भी हैंड नहीं बनता है पूरे गेम में तो आपको -5 पॉइंट्स मिलेंगे, विच इज़ रियली एन एडेड एडवांटेज व्हेन यू विल बी डूइंग द टोटल ऑफ योर ऑल द गेम्स। गेम इजीली समझ में आए इसलिए प्लेयर्स की मार्किंग की हुई है मैंने P1, P2, P3 एंड P4। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं पत्ते ओपन करके रख रही हूँ, बट एक्चुअल गेम में प्लेयर्स अपने पत्ते हाइड करके रखते हैं। पत्ते प्लेयर 4 ने बांटे हैं तो प्लेयर 1 गेम स्टार्ट करेगा। आपकी स्ट्रेटेजी ये रहना चाहिए कि आप सबसे छोटा पत्ता पहले चले। अब नेक्स्ट प्लेयर के पास सेम कलर का पत्ता है तो उसे कंपल्सरीली वही कलर का पत्ता चलना पड़ेगा। प्लेयर 4 चाहे तो छोटा पत्ता जैसे कि छक्की या सत्ती या फिर बड़ा पत्ता गुलाम या इक्का चल सकता है। दोनों ही केस में सर उसी का बनेगा, तो बेटर है आप इक्के से सर बनाएं। और अब लाल पान की चाल चल रही है, देखते हैं ये किसके खाते में जुड़ते हैं। ये जुड़ गए प्लेयर 1 के खाते में। अब प्लेयर 1 ने चाल दी है काले पान की। सिंस प्लेयर 2 के पास काला पान नहीं है तो वो कोई भी पत्ते से पास दे सकता है, एंड बेस्ट पत्ता क्या होगा पास देने का, लाल पान। 2 और पॉइंट आ गए बेचारे प्लेयर 1 के खाते में। अब बचा है आखिरी पत्ता प्लेयर 1 के पास, जो कि बेगम है और चाल भी प्लेयर 1 की ही है। ही इज लेफ्ट विथ नो अदर चॉइस देन टू पुट बेगम नाउ। और इसी बात पे प्लेयर 1 के पास आ गए 12 पॉइंट। वी विल स्टार्ट विथ प्लेयर 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oh my god, and ऊपर से काली बेगम भी जिसके होते हैं 12 पॉइंट्स। सो टोटल प्लेयर 1 के पॉइंट्स हो गए 25। अब बाकी प्लेयर्स के पॉइंट देखते हैं। प्लेयर 2 के पॉइंट्स होंगे 0,
सिंस प्लेयर 3 के पास एक भी सर नहीं बना है तो उसके पॉइंट्स होंगे -5 एंड प्लेयर 4 के भी पॉइंट्स होंगे 0। लेट्स डू द टोटल नाउ। एंड प्लेयर 2 इस गेम को जीत गया है क्योंकि उसके सबसे कम पॉइंट्स हैं एंड अनफॉर्चुनेटली प्लेयर 4 हार गया है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। अरे यार तुम वो ट्रिक तो बताना भूल ही गई। ओ हाँ, तो दोस्तों ट्रिक ये है कि अगर आप ये गेम 5 लोगों के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको ईट और चिड़ी की तुरड़ी को हटाना होगा, और अगर आप गेम 6 लोगों के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको चारों दुर्रियां हटानी होगी। एक बात का ध्यान रखना होगा यहाँ पर, अगर आप 6 लोगों के साथ गेम खेलेंगे तो गेम हो जाएगा 24 पॉइंट्स का। और जैसे मैं ये ट्रिक बताना भूल गई थी, आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।